तो उस टाइम देख रहे हो कितना जवान लग रहे हो, आप तो बहुत छोटी हो ना, आप और मैं साथ में बूढ़े होंगे भाई। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस फाइनली आज हम करने वाले ओल्ड फोटोज में रिएक्शन। गाइस स्टार्ट करें? यस रेडी? यस वी आर गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट फोटो से स्टार्ट करते हैं। नाउ पहली फोटो, सो ये रहा सबसे क्यूट लग रही है। पेंट किधर केड़ा है? मेरा हाँ पेंट टेढ़ा नहीं मम्मी, उस टाइम मैं खुद ही टेढ़ा था। अबे हाँ यार, इसका पूरा पैंट वेंट उधर उधर भाग रहा है। रोही को देखो ना कितना क्यूट लग रही है। मैं 5 साल का था। रोही कितने की थी? हम 1.5 साल 2 साल के। ये 2 साल की थोड़ी ना लग रही है, मैक्सिमम 3 साल की। छोटी थी ना तो सपोर्ट बहुत करती थी भाई को, किसी ने इसको कुछ बोला उसको कुछ बोला ना ऐसे भाग के आती थी ना, लाल काला लेके क्या आ गया ना, उधर लड़ाई, उधर रोशन को कुछ बोला उसको कुछ बोला, चलो चलो पापी चलो, मुझे लेके चली जाती थी। मूव टू नेक्स्ट फोटो। मूव टू नेक्स्ट नेक्स्ट। ओ माय गॉड, ये मुंह किधर गया मेरा? कैन लग रहा है मुझे तो। ओ यार, और पता गाइस इसमें लिटरली मम्मा और रोशन भैया की एज में कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा, मेरे सेम एज के लग रहे। एग्जैक्टली देख रहे, हाइट वाइट भी था सेम, हाइट भी सेम है। मम्मा बचपन में तो बहुत लंबी लग रही है। ऐसा रखा जिसे मैंने बेल्ट से बहुत टाइटली बांधा हुआ। कार का फोटो 29 का, 29 सेक्टर नोएडा। कितने साल का था रोशी? मैं यहाँ पे हूँगा 12-13 साल का हूँ। 12-13 साल का जस्ट मूव करा था। आप तो उस टाइम देख रहे हो कितना जवान लग रहे हो, आप तो बहुत छोटी हो ना, आप और मैं साथ में बूढ़े होंगे भाई। मूव टू नेक्स्ट फोटो। ये हम जब नोएडा आए थे ये तब की फोटो है, और आप देखो कितने क्यूट क्यूट से लग रहे। मम्मा भी बहुत छोटी थी। कितने साल की थी मम्मा? मैं 24 साल की। 24 साल की, मतलब 24 साल में तो क्या बताए, तीन बच्चे। क्यूट लग रहे सारे, है ना? सबसे ज्यादा क्यूट मैं लग रहा उसमें, मुझे तो मम्मी देखी कितनी सुंदर थी उस टाइम पे। ये वाली फोटो देख के आप लगा लो मम्मा कितनी सुंदर थी। और जब स्कूल में जाती थी ना मम्मा, सब मम्मा की बहुत ज्यादा फैन थी। ये पहले भी हमने बहुत वीडियो में बोल रखा है, सब मेरे फ्रेंड्स इंक्लूडिंग बोलते थे यार ब्यूटीफुल मम्मा आ गई है। और मुझे अच्छा लगता है, एक एक उसका दोस्त था ना मुझे देखने आता था, मैं भी भगाया था उसको। देख लो भाई, सच में होता है, इतनी सुंदर थी। सही बात है। चलो गाइस मूव टू नेक्स्ट फोटो। और ये फोटो बहुत पुरानी शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। इसमें बोलूं मैं, पहले मैं बोलूं इसमें, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे दांत मंजन का एड नहीं होता, एड क्या आपको ये करते हो? इस फोटो को एक एक करके करेंगे, बिकॉज हम सारे बोलेंगे ना तो बहुत वैसा हो जाता है, पता नहीं चलता। तो सबसे पहले भाभी आप रिएक्ट करो इस फोटो में। भाभी मतलब मेरी, मुझे यहाँ पे रौनक की जो स्माइल है वो बहुत अच्छी लगी है, और रोशन के ऐसे कान निकले हुए। पीके पीके एवेटर, पीके एवेटर हूं मैं, पीके हो तुम। रोहित के लिए क्या बोलना चाहोगे इसमें? मुझे कितना प्यारी लग रहा है, देखना रोहित तो बहुत प्यारी लग रही है, छोटे से बहुत सुंदर थे। मूव टू नेक्स्ट फोटो। बहुत प्यारी लग रही है तीनों। नेक्स्ट फोटो। मैं ऋतिक रोशन जैसा नहीं लग रहा था? पापा से पागल हो करो। हेलो सो गाइस, ये फोटो है बर्थडे पार्टी। सो गाइस रोही का बर्थडे बहुत मनाते थे और हमारा बर्थडे थोड़ा कम मनाते थे, बिकॉज रोही इज द प्रिंसेस फ्रॉम द बिगिनिंग। ये तो है, शी इज बोर्न टू रूल दिस वर्ल्ड। इसको सच में जब से वो ना पैदा हुई तब से इसका बर्थडे मनाया, जब से रोही पैदा हुई है ना तो हमारे घर में काफी अच्छा। मेरा तो अभी लिटरली अभी जाके 1-2 साल से मैं खुद ही मनाता बर्थडे, मतलब इतने साल हो गए आज तक बर्थडे मनाया। इसी के चक्कर में तो मैंने अपना बर्थडे रोज मैं मनाता नहीं था अपना बर्थडे, क्योंकि इनका इतना बर्थडे मना तो छोटे में बहुत, तो मैं अपना खुद का बर्थडे मनाता रहता था दोस्तों। तुम्हारा ही बर्थडे। जो मेरा एक दोस्त कुनाल है वो ये रहा बीच में, जिसका नाम मैंने लिया था अपने फर्स्ट व्लॉग में, तो ये बीच में जो लड़का है हमारा कुनाल है। He's Kunala, my friend. He's very old friend, 23 years. और ये मेरा friend थे इधर राजू करके। Oh my God. इसमें भी बहुत cute था ना उसकी? बचपन में मैं बहुत cute था। मैं बचपन से लोगों मतलब लेकिन नहीं भाई, बचपन में मुझे कोई पसंद नहीं करता था। मम्मी बता दो कितना शरारत करता था, घंटी बजा के भाग जाता था। कुछ मैं इसलिए करता था क्योंकि मुझे कोई पसंद ही नहीं करता था, इसलिए मैं और ज्यादा शरारत करता। देखो तेरा हाथ भी मैंने रखवाया ये ऐसे, तू ऐसे कुछ कर रहा था यार।
ऐसा कुछ कर रहा था तो मैंने बोला ऐसे रखा था शायद। याद भी नहीं आ गए ये सब फोटोज ना, हम लोग भूल गए ना कब कैसे गए। मैं नहीं बोला कैसे कैसे गए थे खिंचवाने फिर हम लोग ये फोटो। मम्मा हम तीनों का हाथ पकड़ के ले गए थे। अबे कैसा है वो तो ले गई थी लेकिन क्यों गए थे। ये फोटो है अंबेडकर विहार सेक्टर 37 में। हाँ, फोटो खिंचवाया था। हाँ, फोटो ये तो याद है। तो फोटो क्यों खिंचवा रहे थे ये सब चीज ऐसे खींचा के रख रही थे ना। रोई राई थोड़ा अच्छी लग रही थी। हाँ। नया फ्रॉक डाल दिया था। हाँ, और गाइस ये फोटो बहुत ओल्ड है और ये फोटो हम आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करें बिकॉज आप हम चाहते दिल से कि आप लोगों के साथ सारी चीज हम मतलब बताए कि हम कैसे थे कैसे। ये फोटो देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कहीं पे टेढ़े खड़े होंगे कहीं पे कपड़ा भी टेढ़ा होगा कहीं चप्पल नहीं होगा। तो हम उस टाइम ऐसा था। ये सब स्ट्रगलिंग के टाइम की है ना मम्मा। तो गाइस लाइफ इज स्ट्रगलिंग यार सब स्ट्रगल ही है कोई दिक्कत कोई दिक्कत बट इट्स गुड। ये उस टाइम भी अच्छा था जैसा था इट्स ऑल्स गुड गुड यस। चलो नेक्स्ट ये गाइस प्लीज प्लीज गाइस प्लीज आप लोग गेस करो कौन है। आप लोगों को पता है। हेलो गाइस ये बहुत मीठा है आप खाओगे। सब लोग समझ जाओ। मेरी आंटी तब भी ऐसी थी अभी भी ऐसी दिखती है। नहीं पुरानी दोस्त मम्मी तो काफी छोटी थी ये मेरे साथ 25-26 साल की होगी मम्मी। यार मतलब ये फोटो देख के ना लिटरली ऐसा नहीं हो रहा ज्यादा ताजा हो रहे ना। रात को ना रोई राई को बर्थडे खा के ना सुबह ये अच्छा अच्छा फोटो लग रहा है दोनों का बहुत बेहतरीन। मम्मी बहुत जवान लग रही है। नेक्स्ट मूवी नहीं आई थी शाहरुख खान की जिसमें वो पीछे की साइड रहता किताबें बहुत वाला उसमें बिल्कुल सिर पर आशिक नहीं होता वैसा। देखो गाइस देखो आवारा ये तो ज्यादा पुराना 2005-06 का होगा सर 2005-06 का। बट गाइस ये मुझे याद है ये हम गए थे हरिद्वार ऋषि ये पता कहाँ की फोटो है। रामदेव बाबा के यहाँ पे। और मैं इस फोटो को रामदेव कितना जवान इस फोटो में मैं देख के बता जब इस जगह गया था ना गाइस मैं उस टाइम मैंने एक करेला का जूस पिया था इतना बड़ा पी के और जब दोनों कान से धुआं निकले थे ना लिटरली। और उसके बाद सच में करेला का जूस अगर जिसने पी लिया ना उसको कभी बीमारी होती नहीं बहुत बहुत सही रहता पेट के लिए पेट पूरा साफ कर देता है। तो गाइस देखो बहुत पुरानी पुरानी फोटो है मम्मा और मेरी एज के बीच में ज्यादा गैप दिख नहीं रहा। नेक्स्ट में बूढ़ा होगा हम लोग हम तीनों साथ में बूढ़े होंगे पतली थी इसीलिए भाभी भी तो उनके साथ हो जाओगे जवान हो जाओगे। ये देखो इसमें तो देवानंद लग रहा है रोशनी भाई। एक चीज देखो ट्यूनिंग देखो कैसे आंटी और तेरा बिल्कुल सेम टू सेम ही है बिल्कुल बाल भी सेम कपड़े भी सेम स्कार्फ मम्मी ने बनाया हुआ स्कार्फ एक ही बार में ये फोटो खींचा अगली बार लेके गए थे स्केटिंग उधर खोके आ गए। हम लोग मूवी देखने गए थे मम्मी मैं आंटी कौन सा ईयर का होगा स्पाइस गए थे हम लोग पता नहीं कौन से मुझे नहीं पता ये ज्यादा पुराना नहीं अभी पुराना है तब मैं और भी पुराना यार उसका टाइम का उसका टाइम का है बहुत पुराना फोटो है यार ये तो 9 में एक ही 10 में था उस टाइम का फोटो ये। चलो गाइस मजा आ रहा है सच में आप लोग भी आई होप सो आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारे इस पुराने फोटो को देख के हमारी भी पुरानी मेमोरी वापस लौट रही है मुझे याद आ रहा हम कैसे थे। मूव टू नेक्स्ट फोटो ये गाइस यहां अंदाजा लगा रहे ये सरप्राइजिंग फोटो है ये तीन की कैंडल लगी है ना। हां तो 3 साल की पापा जी बिल्कुल आप व्लॉग देख रहे हो कपिल देव लग रहे हो सच में क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते आंटी भी बहुत सुंदर थी रियल में मम्मी भी वैसे लग रही है साउथ की हीरोइन जैसी लग रही है। साउथ की क्यों हीरोइन लग रही है तो मैं हर कोई यहाँ की हीरोइन क्यों लग रही है जबरदस्ती साउथ भाई जो लग रहा वही तो बोलेंगे पुराने जमाने के हीरो हीरोइन बोलो देखो पीछे बाल में क्या लगा देख भाभी और रोशनी में एक देखा आंखें ऑलमोस्ट सेम जैसे ये कितने साल के थे भाभी और ये गाइस लास्ट फोटो है तो इसमें आप लोग अंदाजा लगा लो इसमें भाभी कौन है और दूसरी भाभी की दीदी है अनु की फोटो है अनु दीदी अनु बहुत सुंदर लग रही है इसमें इसमें तो बिल्कुल वैसा है। आयो रे मेरे ढोल गागरा वो गागरा ये पहाड़ी ड्रेस है उत्तराखंड की पहाड़ी ड्रेस है मैं जाऊं
घूमने का शौक हो गया मम्मा, घूमे जा रहे घूमे, रुक जाओ भाई रुक जाओ, थामा 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 गाइस, आज आप लोगों को हमने इतने अपने ओल्ड फोटोज दिखा दिए, रिएक्ट कर दिया है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, अगर आप चाहते इसका पार्ट टू भी बनाए, इससे भी छोटी फोटोज है जिसमें रोशन भाई, जिसमें रोशन भैया और छोटे और मैं भी और छोटा हूँ। एक फोटो जिसमें मैं बहुत ही छोटा, वो है नहीं इसमें ना, नहीं इसमें है नहीं डाला, नहीं बेबी वाला, बेबी वाला। तो गाइस मैंने जानबूझ के नहीं डाला क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, लाइक भी ज्यादा से ज्यादा करो, शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करो, तो डेफिनेटली इसका पार्ट टू भी बनाएंगे, उसमें हम रोही को भी लेंगे। इतना ये मजा आ गया, मुझे तो बहुत मजा आया, मजा आ गया गाइस, और परफेक्ट ना। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आप मेरे चैनल पे नए गए जाके जरूर बेल आइकन दबाइए, मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय एंड सी इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू, बाय 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 बाय।